Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rugby College, University of Allahabad. And we are discussing over various types of correlation coefficient, in which I have already discussed with you the Spearman's rank correlation coefficient and product moment correlation coefficient. And this time I am going to discuss biserial and point biserial correlation. Okay. And the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for all of us. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो नाम है, टेक्निकल नाम, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी हिंदी के लिए परेशान मत होइए. आप बाईसीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट, ऐसे ही बोलिए. आप कंसेप्ट हिंदी में समझिए, आप पूरा भाषा हिंदी में लिखिए, पर आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके हिंदी नाम मुश्किल है लेना, उससे आसान इंग्लिश पड़ता है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये कि हम कोरिलेशन की बात चल रहे हैं, और सब एकदम देखिए क्रमवार है. ऐसा नहीं है कि कहीं आपसे कोरिलेशन पहले डिस्कस किया जाएगा, तब वेरिएबिलिटी, तब पोजीशन, और तब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वो सब जितने भी ये और ये सारे किसके गुण हैं, ये सारे किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि वो स्टैटिस्टिक्स जिससे आंकड़ों के डिस्क्रिप्शन में मदद मिलती है. और दूसरी तरीके की होती है इन्फरेंशियल, जो कि प्रिडिक्शन में मदद करती है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमको प्रिडिक्शन में या इन्फरेंस निकालने में कोई हेल्प नहीं कर रही, ये सिर्फ हमको बता रही है कि आंकड़े कैसे हैं, उनमें उनके मध्य माध्यिका क्या है, उनका चतुर्थांश विचलन क्या है, उनको कितना डेविएशन है उनके पास मीन से. हाँ, दोनों दो वेरिएबल हैं अगर तो आपस में कोरिलेटेड हैं कि नहीं. फिर आपको जो अभी और आगे आप पढ़ेंगे प्रेडिक्शन एंड रिग्रेशन, तो उसमें है कि कोरिलेशन आपको सिर्फ ये बताता है कि एक चर दूसरे चर पर निर्भर है, या दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, या दोनों सहसंबंधित हैं, या एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है या दूसरा घट रहा है. लेकिन वो ये नहीं बताता है कि कौन किसका कॉज है, किसका कौन इफेक्ट है, मतलब कारण कौन है और प्रभाव कौन सा चर है. ये आपको कोरिलेशन से नहीं पता चलता है. इसके फिर आगे हम एक स्टेप पढ़ेंगे प्रिडिक्शन एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन. वहां हमको पता चलेगा कि हु इज द कॉज, विच वेरिएबल इज responsible for its cause and which variable is its effect, यानी कि dependent और independent variable की बात वहां जाके होगी. तो सब बिल्कुल क्रमवार है, इस तरीके से समझेंगे आप, एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी. ठीक है, तो हम लोग, अच्छा हाँ, एक और खास बात बताने वाली कि जो न्यूमेरिकल आता है आपके कोर्स में MA MEd में, वो जन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन तक ही आता है. यानी कि अगर आपसे कोरिलेशन पूछेगा तो वो या तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको निकालना होगा, या प्रोडक्ट मोमेंट निकालना होगा. बाईसीरियल, पॉइंट बाईसीरियल, टेट्राकोरिक एंड फाई, अभी चार बचे हैं, उनसे थियोरेटिकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या डिफरेंस है, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बाईसीरियल एंड पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बाईसीरियल एंड बाईसीरियल कोरिलेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राकोरिक एंड फाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राकोरिक एंड फाई, इस तरीके से. तो सवाल इस पर आधारित नहीं पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल के लिए परेशान मत होइए. ठीक, सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए. अगर पूछा जाएगा तो थ्योरी पूछी जाएगी, और नहीं तो नहीं पूछा जाएगा. ठीक, क्योंकि सवाल पूछे जाने के लिए बहुत कुछ है. मीन हो गया, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. ठीक है, फिर अभी आपका टी टेस्ट, एनोवा, और आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो बचे ही हैं, जिसमें काई स्क्वायर, मीडियन टेस्ट एंड साइन टेस्ट आता है. तो शुरू करते हैं कि बाईसीरियल कोरिलेशन क्या है. इन एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल स्टडीज वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर बोथ द वेरिएबल्स कोरिलेटेड आर कंटिन्यूअसली मेजरेबल व्हाइल वन ऑफ देम इज आर्टिफिशियली रिड्यूस्ड टू डाइकोटमी. अब देखिए क्या-क्या शब्द आ रहे हैं, आर्टिफिशियली रिड्यूस्ड टू डाइकोटमी, कंटिन्यूअसली मेजरेबल. तो जब आपको पता नहीं होगा कि वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको कहते हैं, डाइकोटमी किसको कहते हैं, आर्टिफिशियली रिड्यूस डाइकोटमी किसको कहते हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे. तो इसमें कंसेप्ट ही समझना है, तो कंसेप्ट समझिए अच्छे से. कह रहा है कि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कई बार ऐसा होता है कि हमको जो मिलते हैं बोथ द वेरिएबल्स, यानी कि दोनों चर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मेजरेबल होते हैं, यानी कि सतत चलेंगे ना, और उनमें से एक होगा आर्टिफिशियली रिड्यूस टू डाइकोटमी. डाइकोटमी का मतलब डाई का मतलब दो ना, यानी कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब नेचुरल डाइकोटमी नहीं है. नेचुरल डाइकोटमी का मतलब प्रकृति प्रदत्त है, दो हिस्सों में बटी हुई है, दो तरीके से है, लेकिन हमने इसको अपने हिसाब से आर्टिफिशियली हमने कहीं उसको दो भागों में बांटा है. कैसे, देखिए, इन सच ए सिचुएशन
when we try to compute correlation between a continuous variable and a variable reduced to artificial dichotomy, we always compute the coefficient of biserial correlation. देखिए आपके competitive examination का सवाल बन जाएगा, वो आपसे पूछेगा एकदम साधारण सवाल कि जब एक variable continuous variable हो और दूसरे variable को artificially हमने reduce करके दो में बांट दिया हो तो कौन सा coefficient of correlation निकालेंगे, tetrachoric 5, biserial, point biserial. तो आप वहां पे biserial correlation को टिक करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि ये biserial correlation की खास बात है कि एक variable continuous होना चाहिए और दूसरा artificially dichotomy उसमें होनी चाहिए. अभी हम artificial dichotomy के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है. At this point, the artificial माने कृत्रिम रूप से, dichotomy माने हमने उसको दो में विभक्त कर दिया है, सीधी बात. At this point, the question may arise as to what do we mean by a dichotomy or also by an artificial and a natural dichotomy. वो यही कह रहा है कि फिर अब हमको ये समझना पड़ेगा कि dichotomy क्या होती है और artificial और natural dichotomy क्या होती है. तो वो कह रहा है, the term dichotomous means cut into two parts or divided into two categories. डाइकोटमस का मतलब है कि हमने किसी भी चर को दो भागों में बांट दिया है या दो कैटेगरी में बांट दिया है. दिस रिडक्शन इनटू टू कैटेगरीज मे बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेचर ऑफ द डेटा ऑब्टेंड. और ये जो दो भागों में बांटा है वो किसका परिणाम है, हमको जो जैसा डेटा का नेचर है उसके परिणाम स्वरूप ये दो भागों में बट गया है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन स्टडी टू फाइंड आउट वेदर और नॉट अ स्टूडेंट पास और पासिस और फेल. ये ए देखिए, ए और स्टूडेंट के बीच में स्पेस, पासिस और के बीच में स्पेस नहीं आया. Whether or not a student passes or fails a certain standard, we place the crucial point dividing pass and fail students anywhere we please. वो कह रहा है कि किसी स्टडी में हमको ये तय करना हो कि बच्चे ने पास किया एग्जाम की फेल किया हो, हम कहीं क्राइटेरिया लगा देते हैं ना, ये नेचुरल क्राइटेरिया तो नहीं है, ये आर्टिफिशियली हमने सेट कर दिया कि 100 में से अगर 34 है तो पास है और 33 है तो फेल है. तो हमने सारे डेटा को दो भागों में बांट दिया, पास स्टूडेंट्स फेल स्टूडेंट्स, और ये जो दो भागों में बांटा वो हमने अपनी सुविधा अनुसार ये डाइकोटमी बनाई है, ये नेचुरल नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल डाइकोटमी हो गया. हेंस मेजरमेंट इन द वेरिएबल इज रिड्यूस टू टू कैटेगरीज. तो जो जितना भी हमको आंकड़ा मिला था वो दो भागों में बट गया, दो कैटेगरीज में, पास कैटेगरीज और फेल कैटेगरी. दिस रिडक्शन इन टू टू कैटेगरीज हाउएवर इज नॉट नेचुरल. क्यों नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सुविधा से लगाया है. कोई दूसरा एग्जाम हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई, जिसका 50 नंबर आएगा वही पास है और 50 से नीचे वाले फेल हैं, तो ये आर्टिफिशियल है. हम अपनी सुविधा के हिसाब से ये पॉइंट सेट करते हैं कि कहां से हम उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे. तो अगर इस तरीके का दो चर हो जिसमें एक सतत चर हो और दूसरा चर को हमने कृत्रिम रूप से दो कैटेगरी में बांट दिया हो, तो हमेशा हमको बाईसीरियल कोरिलेशन लगाना है. ठीक है, अच्छा. इन कंक्लूजन वी मे टर्म अ डाइकोटमी डिवीजन ऑफ ए वेरिएबल इनटू टू कैटेगरीज एन आर्टिफिशियल डाइकोटमी व्हेन वी डू नॉट हैव एनी क्लियर कट क्रूशियल पॉइंट और क्राइटेरिया फॉर सच अ डिवीजन. यानी कि हमको कोई क्लियर कट पॉइंट नहीं पता था, हमको हमने अपनी सुविधा से वी फिक्स द डिवाइडिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर ओन कन्वीनियंस. अपनी सुविधा के हिसाब से हमने उसको दो भागों में बांट दिया है. हेंस द बेसिक अजम्पशन इन यूजिंग बाईसीरियल कोरिलेशन एज एन एस्टिमेट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डाइकोटमस वेरिएबल इज दैट द वेरिएबल underlying the dichotomy is continuous and normal. वो कह रहा है कि तो basic assumption जो मूलभूत मान्यता है इसके पीछे की वो क्या है कि जो correlation as an estimate of the relation between एक variable क्या है continuous और दूसरा क्या है dichotomous और वो भी कैसा dichotomous जिसको हमने artificially दो भागों में बांटा है. This implies that it should be an artificial dichotomous variable rather than a natural dichotomous variable. इसलिए हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो dichotomy है वो मनुष्य ने अपनी सुविधा के हिसाब से लगाई, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, natural dichotomy नहीं है. natural dichotomy जैसे male female है ना, इस तरीके से. अच्छा, इस पे सवाल आधारित नहीं पूछ रहा था लेकिन फिर भी आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए. कंप्यूटेशन ऑफ बाईसीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फॉर्मूला इसका ये है, द जनरल फॉर्मूला फॉर बाईसीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिस. देखिए बिस क्या है, बाईसीरियल का है, और आर क्या है, कोफिशिएंट के लिए लगाते, कोरिलेशन के लिए लगाते हैं. तो आर बिस इज इक्वल टू एम कैपिटल एम उसके नीचे स्मॉल पी माइनस कैपिटल एम क्यू अपॉन सिग्मा वन इंटू स्मॉल पी इंटू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल वाई. अब सबके मान देख लीजिए, स्मॉल पी क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इन वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डाइकोटमस वेरिएबल, यानी कि कितने प्रतिशत ना, कितना अनुपात है जो दो कैटेगरी बन गई है उनका,
फिर क्यू प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इन द लोअर ग्रुप, वन माइनस पी, एम पी मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द हायर ग्रुप. हमको दो ग्रुप बनाना, दो ग्रुप बन जाएंगे ना जैसे आपने डाइकोटमी की, तो वो कह रहा है कि हायर ग्रुप का मीन कितना है, लोअर ग्रुप का मीन कितना है, पूरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व सेपरेटिंग द पोर्शन पी एंड क्यू. जब हम एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जब ग्राफ पे बात करते हैं तो ऑर्डिनेट्स की बात आती है. तो ये आपको इस पर आधारित सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि बाई सीरियल कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की बात हो रही, तो फॉर्मूला एटलीस्ट आपकी आंख के सामने से गुजरा हो कि अच्छा ऐसा फॉर्मूला था इसका, नहीं भी याद है तो ठीक है. अब आ जाइए पॉइंट बाई सीरियल, ओहो इसकी एक लाइन नीचे चली गई है, कोई बात नहीं. अब आ जाइए पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में, बल्कि थोड़ा सा ऊपर होता तो ये हो जाता, चलिए कोई नहीं. पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन पे क्या है, सबको अंतर देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाईसीरियल एंड पॉइंट बाईसीरियल. बाईसीरियल क्या था कि जब एक वेरिएबल कंटिन्यूअस हो और दूसरा वेरिएबल आर्टिफिशियली डाइकोटमस हो. इसमें कह रहा है, यहाँ भी यही कह रहा है कि सम वेरिएबल्स आर डाइकोटमस, कुछ डाइकोटमस होते हैं. द डाइकोटमस वेरिएबल इज द वन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू शार्पली डिस्टिंग्विश्ड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज. वो कह रहा है कि उस वेरिएबल को आप डाइकोटमस कहेंगे जिसमें से दो आपको स्पष्ट विभेदीकरण वाले चर दिख रहे हो, जैसे मेल फीमेल. मैंने आपसे कहा ना ये नेचुरल डाइकोटमी है, मेल फीमेल, आपने उसमें आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया. फिर और क्या डाइकोटमस हो सकता है, रूरल अर्बन, इंडियन अमेरिकन, डायग्नोस्ड विद इलनेस एंड नॉट डायग्नोस्ड विद इलनेस, मतलब जिनके जिनको वो बीमारी है जिनको नहीं है, इस तरह से दो कैटेगरी. शहरी ग्रामीण की दो कैटेगरी, भारतीय अमेरिकी की दो कैटेगरी, इस तरह से. दीज आर दी ट्रूली डाइकोटमस वेरिएबल्स फॉर विच नो अंडरलाइंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अज्यूम्ड. वो कह रहे हैं कि ये सब जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो सत्य रूप से नेचुरली डाइकोटमस हैं. नाउ इफ वी वांट टू कोरिलेट दीज वेरिएबल्स देन अप्लाइंग पियर्सन्स फॉर्मूला हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूटी. फिर कह रहा है कि मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि पॉइंट बाईसीरियल बाईसीरियल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट का ही एक तरीका है, एक स्पेशल तरीके हैं. वो कह रहे हैं कि चूंकि ये वेरिएबल में इस तरीके की खासियत है, इसलिए आप इसमें पियर्सन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं. तो क्यों? क्योंकि पियर्सन्स कोरिलेशन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस वेरिएबल, उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल चाहिए. इसलिए सपोज वी आर कोरिलेटिंग जेंडर, देन मेल विल बी गिवन अ स्कोर ऑफ 0 एंड फीमेल्स विल बी गिवन अ स्कोर ऑफ 1 और वाइस वर्सा. इंडीड यू कैन गिव अ स्कोर ऑफ 5 टू मेल एंड स्कोर ऑफ 11 टू फीमेल एंड इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस फॉर द कोरिलेशन कोफिशियंट. अच्छा मैंने ये उसमें डिलीट कर दिया था तो ये ऊपर आ गया था, ये दूसरी वाली स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं. तो कह रहा है कि आप अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उसको चाहिए होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी कि सतत चर आते जाएं. लेकिन इसमें तो चूंकि नेचुरल डाइकोटमी है तो मेल फीमेल, रूरल अर्बन, इंडियन अमेरिकन, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है. तो विच नो अंडरलाइन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अज्यूम्ड, इसलिए आप इसमें पियर्सन फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं. तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे पॉइंट बाई सीरियल. तो ये क्या हो गया निकल के आया, और वो ये यहाँ पे जो लिखा था उसका क्या मतलब. वो कह रहा है कि जैसे कि आपकी नेचुरल डाइकोटमी ना मेल फीमेल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल को 0 नंबर दे, मतलब डिनोट कर दीजिए, और फीमेल को 1 से कर दीजिए, या मेल को 5 कर दीजिए, फीमेल को 11 कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कह रहा है. तो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्या है, ये भी एक तरीके का पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ही है, जिसमें किसके किसके बीच में है, बिटवीन वन ट्रूली डाइकोटमस वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या है ट्रूली डाइकोटमस नेचुरल डाइकोटमी, और दूसरा वेरिएबल कंटिन्यूअस है. यानी कि जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस होंगे तो क्या लगेगा, पियर्सन प्रोडक्ट. जब एक वेरिएबल कंटिन्यूअस और दूसरा नेचुरल डाइकोटमस होगा तो क्या लगेगा, पॉइंट बाई सीरियल. जब एक वेरिएबल कंटिन्यूअस और दूसरा आर्टिफिशियली डाइकोटमस होगा तो क्या लगेगा, बाई सीरियल. ऐसे याद रखिए. और पॉइंट बाईसीरियल में क्या है, इज पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बिटवीन वन ट्रूली डाइकोटमस एंड अदर कंटिन्यूअस वेरिएबल. वही बात आ गई निकल के, एलजेब्रिकली मतलब एलजेब्रा के टर्म में पढ़े तो आरपीबी इज इक्वल टू आर, यानी कि बीज गणित के टर्म में आप कह सकते हैं कि पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन कोफिशियंट ही प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट है. बस इसमें चर दोनों सतत होते हैं, किसमें, पियर्सन प्रोडक्ट में. पॉइंट बाईसीरियल में क्या हो जाता है, एक तो सतत होता है, दूसरा ट्रूली डाइकोटमस यानी कि सत्यापित रूप से वो दो चर में विभक्त है. और बाईसीरियल कब लगाते हैं, जब एक कंटिन्यूअस हो दूसरा आर्टिफिशियली डाइकोटमस. ओके, वी रिजॉर्ट टू द कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट बाईसीरियल कोफिशिएंट फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हेन वन वेरिएबल इज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट एंड अदर इज इन स्टेट ऑफ ए नेचुरल और जेन्युइन डाइकोटमी, यानी कि
एक्चुअली वो दो में वेरिएबल में विभक्त है. इफ वी आर श्योर दैट द डाइकोटोमाइज्ड वेरिएबल डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल डाइकोटमी, देन वी शुड ट्राई टू कंप्यूट पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जब हमको लगता है, जब हम ये श्योर हो जाए कि वाकई ये नेचुरल डाइकोटमी है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो आपको पॉइंट बाय सीरियल लगाना चाहिए, और अगर वो आर्टिफिशियल डाइकोटमी हो तो आपको बाय सीरियल लगाना चाहिए. इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए. इसका फॉर्मूला ये है कि आर पी बिस, पी बिस मतलब पॉइंट बाय सीरियल, सिर्फ बिस था तो बाय सीरियल था. एम पी माइनस एम क्यू अपॉन सिग्मा वन इज इक्वल इन टू अंडर रूट पी क्यू, और ये इसके सारे वही है. उसी तरह से क्यू का क्या मतलब है, एम पी का क्या मतलब, एम क्यू एम एम टी क्यू टी, अच्छा इस वाले के लिए ठीक है. तो इसको ये सवाल इस पे पूछा नहीं जाएगा, तो आप सिर्फ ऐसे ही जान लीजिए इसका फॉर्मूला. अच्छा हो गया. तो मेन आपको क्या समझना है, मेन समझना है कंसेप्ट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाया जाता है तब जब दो चरों के बीच में हमको सहसंबंध निकालना हो, दोनों चर सतत हो, तब आप पियर्सन प्रोडक्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जैसे ही दूसरा चर सतत ना होके डाइकोटमस हो जाए तो हमको बाई सीरियल या पॉइंट बाई सीरियल लगाना है. बाई सीरियल कब लगाएंगे, जब आर्टिफिशियल डाइकोटमी हो. पॉइंट बाई सीरियल कब लगाएंगे, जब नेचुरल डाइकोटमी हो. आर्टिफिशियल डाइकोटमी क्या होती है, जहां पे हम दो भागों में अपने हिसाब से विभक्त करते हैं, जैसे कितने बच्चे फेल हैं कितने पास. लेकिन नेचुरल जो नेचुरली जेन्युइन है, जैसे मेल फीमेल हो गया, किसी को इन लोगों को बीमारी है इनको नहीं है, इसमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं किया, हमें ये जैसा है वैसा है ठीक है. तो आई थिंक ये आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर जो लोगों का स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशनल मतलब न्यूमेरिकल से वो थोड़ा घबराते हैं, या इस तरीके की साइंस बैकग्राउंड नहीं है वैसे ही, तो उसको तो वो बार बार पढ़ेंगे तभी उनको समझ में आएगा, और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत दिन तक याद भी रहेगा. ये भी खासियत होती है मैथमेटिकल इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स, और जब आने लगते हैं, जब सवाल के सही हल निकलने लगते हैं तो बहुत खुशी भी होती है. और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने न्यूमेरिकल ऑप्ट किया है और आपके पूरे नंबर आपने पूरा सही किया है, फॉर्मूला सही लगाया, आंसर सही आया, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. किसी भी थ्योरेटिकल प्रश्न में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखेंगे. तो इस लिहाज से तो ये प्लस पॉइंट वाली बात हो गई है ना. तो आपको सिर्फ अब मेरे को कोरिलेशन में आपसे टेट्राकोरिक और फाई डिस्कस करना है, बाकी मैंने आपसे स्पीयरमैन कर लिया, पियर्सन कर लिया, और बाय सीरियल कर लिया, पॉइंट बाय सीरियल कर लिया. ओके, सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.